रेवाड़ी में डाकघर के भीतर ही काम करने वाली महिला अकाउंटेंट से एक बदमाश 78,000 रुपए रखा बैग लेकर फरार हो गया। आरोपी डाकघर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, लेकिन अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा। चश्मा लगाए और सफेद लाइनिंग वाली शर्ट वाले जिस शख्स को आप फुटेज में देख रहे हैं, वो बदमाश वो है जो पहले डाकघर में घुसता है और फिर लंच टाइम में महिला अकाउंटेंट का बैग लेकर फरार हो गया। दरअसल झज्जर चौक स्थित मुख्य डाकघर में एक शख्स करीबन 1 बजे अंदर आया और कैश काउंटर पर कन्या बचत खाते की जानकारी लेने लगा, जिसके बाद लंच हो गया, लेकिन लुटेरा बदमाश वही घूमता रहा। कैश काउंटर पर पैसे सेफ नहीं है, इसलिए महिला अकाउंटेंट 78,000 रुपए अपने बैग में डालकर डाक रूम में लंच के लिए चली गई, जिसके बाद लुटेरा बदमाश पीछे के रास्ते से वहां पहुंच गया और बैग छीनकर फरार हो गया। महिला पीछे दौड़ी भी, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया।